इस गाड़ी से प्रसन्नता हुई थी। प्रसन्नता हुई? इसमें एक 12 लीटर टर्बो V6। मैं सफारी सूट पहन के बड़ा डॉन के तरह लगना चाहता हूँ तो। और इंडिया में ये अच्छी चीज है कि कोई लेन्स में चलाता ही नहीं तो इंडिकेटर डालने की जरूरत भी नहीं है, पर अभी भी निसान ने इंडिकेटर दिया है तो। हाय, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब बहुत अच्छे होंगे। यार आज मैं आपके लिए एक बहुत स्पेशल गेस्ट को लेके आई हूँ, वो है हमारे साथ सुमेर। सुमेर बहुत स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये यूएस से आए हैं और इन्होंने आके जो अपनी फर्स्ट कार ली है वो है हमारी निसान मैग्नाइट। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि यार इतनी सारी गाड़ियाँ हैं और हम लोग जब भी बात करते हैं कि ग्लोबल मार्केट में इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं, अगर वो लोग वहाँ से आके इंडिया में किसी ऐसे प्रोडक्ट को चूज़ करते हैं तो थोड़ा बड़ा अट्रैक्शन आता है कि वाई दिस कार। तो आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं इसी चीज़ के ऊपर, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Hi Sumer, welcome to our channel. Hi, how are you doing? I'm good. Thank you. अच्छा, आप सबसे पहला सवाल हिंदी में बोलना है? जी। बहुत उसे प्रॉब्लम होती है, इंग्लिश में बात करता है, हिंदी बोलने में दिक्कत होती है। होती है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। बोल के दिखाओ थोड़ा सा। जो भी बोलना बोल सकते। चलिए, अच्छा ये बताओ, इतनी सारी कार्स यूएस में, तो इनफैक्ट बहुत सारी कार्स होती हैं। जी। तुमने इंडिया में आके निसान मैग्नाइट को ही क्यों चूज किया? Why not any other car? एक चीज है कि आई थिंक इंडिया के लिए हमके पास बहुत गर्व होना चाहिए कि हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और हमारे प्लांट्स में क्या क्या हो रहा है। इंडिया में इतने सारे ब्रांड्स हैं जो कि बल्कि यूएस में नहीं है, जैसे टाटा है, महिंद्रा है, अब से जैगवार लैंड रोवर वो भी टाटा का ही प्रोडक्ट बना है। और निसान का क्राफ्ट्समैनशिप बहुत बढ़िया है और ये मैग्नाइट ये सिर्फ इंडिया में बिकती है, मेड इन चेन्नई, मैन्युफैक्चर्ड एंड असेंबल्ड इन चेन्नई। और हमने ये निसान की मॉडल यूएस में कभी देखी नहीं, तो जब हमने इसको देखा और चलाया तो कंपैरिजन था ही नहीं कंपेटिटर्स के साथ। और हम बहुत खुश थे कि इतनी अच्छी और बढ़िया मॉडल इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर हुआ था, तो इसलिए हमने इस एडिशन को चूज़ किया था। आप देख सकते हैं ये टर्बो CVT गीजर एडिशन है, ऑल ब्लैक, कम्प्लीटली ब्लैक रिमिंग्स। निसान के पास क्वाइट एन इंस्पायरिंग स्टोरी है इंडिया में। पहले निसान की गाड़ी ज़्यादा बिकती नहीं थी, मार्केट पूरा होमवर्क किया है। जी, मार्केट शेयर कैप्चर करने के लिए बहुत ही मुश्किल था। और इससे पहले किक्स आई थी, वो ज़्यादा उसने मार्केट में पेनिट्रेट नहीं किया, पर जब मैग्नाइट आई थी तो कहानी तो पूरा बदल गया था। और इतना I love his Hindi. इसने मार्केट शेयर को इतनी जोर से पकड़ा था तो हमें ऐसी गाड़ी लेना चाहिए था। ओके, अच्छा और कौन सी कार्स ओन करते हो आप? और फोर्ड एंडेवर चलाते हैं, मर्सिडीज घर पे है, BMW भी है, ये सब चलाते हो, लेकिन आपने जो अपनी इनकम से खरीदी फर्स्ट कार, जी ये है वो कार, राइट? और फीचर्स के साथ अगर आप अंदर देख सकते हो तो JBL स्पीकर्स है, गाने सुनने का बड़ा शौक है, और पूरा एप्पल कारप्ले के साथ इक्विप्ड है, और पूरा फीचर्स सब कुछ बहुत बहुत अच्छा था, मतलब जो आपको चाहिए था एवरीथिंग इज देयर इन दिस कार, राइट? एंड आई एम यंग, सो व्हेन यू यंग और आप दोस्त के साथ चलते हो तो गाने अच्छे से सुनना पड़ता है, सारे मैप सब कुछ देखना चाहिए। अच्छा, इसके कंपैरिजन में और भी कार्स आती हैं, जैसे हम स्विफ्ट की बात कर सकते हैं, एक्सटर की बात कर सकते हैं, बहुत अच्छी कार्स हैं वो, तुमने वो नहीं ट्राई किया? स्विफ्ट तो हर कोने में दिखता है और उसके साथ कोई स्पेशल फैक्टर या फील कुछ भी नहीं है। जब कोई मैग्नाइट तो देखता है तो एक बड़ी अच्छी सी रोड प्रेजेंस आती है, और यू नो शोइंग और एक इमेज एक बहुत बड़ी चीज बनती है। जब तुम बहुत प्राउडेड फील कर रहे हो अपनी चॉइस पे, अगर हर कोई एक एग्जिटर या स्विफ्ट चला रहा है तो उसमें कुछ यूनिक या स्पेशल नहीं है ना, इसमें तो कम लोग चलाते हैं, रोड प्रेजेंस है, CVT में भी नहीं है। जी, और ये एक स्पेशल एडिशन है, टर्बो CVT, तो यही चुनना था। यही चुनना था, ओके। अच्छा, कार में थोड़ा सा अपनी कार को आप एक्सप्लेन करोगे या हम करें, क्योंकि बहुत सारे ऑडियंस है जो इस गाड़ी को खरीदेंगे इस वीडियो के बाद। जी, तो अगर आप इस गाड़ी को देखते हो तो अगर आप देखते हो तो पूरा ब्लैक है, ग्रिल से लेके सारे रिम्स तक। अगर आप टायर्स को भी देखते हो तो ये स्पेशल रिम्स लगे हैं गाड़ी के ऊपर, और ये बहुत लिमिटेड एडिशन फील है।
अच्छा बट इसमें हर चीज़ है, एवरीथिंग इज देयर. आप मिस नहीं कर रहे कि इसमें फ्रंट कैमरा नहीं है, यू डोंट हैव इवन पार्किंग सेंसर्स. तो 9 लाख में हर कोई चीज़ थोड़ी ना मिल सकता है ना. अगर हम US में जाते तो ब्रांड न्यू कोई भी गाड़ी 9 लाख में बिकी गई नहीं, क्योंकि है ही नहीं. और ये इंडिया के लिए बना है, हमारा सेगमेंट के लिए बना है, ताकि हर कोई ऐसी गाड़ी खरीद सकता है. तो 9 लाख में जो फीचर्स मिली है उसमें रिवर्स बैकअप कैमरा है, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स है, और कोई सी अंदर में सिस्टम के अंदर बहुत सारे फीचर्स है. बट यू गेट व्हाट यू पे फॉर. अच्छा कॉस्ट कटिंग नहीं है ये? नहीं नहीं, क्योंकि इस कॉस्ट में आ ही नहीं सकता था ये. आ ही नहीं सकता है. अगर आप और भी फीचर्स चाहिए होता तो आप निसान के एक्स ट्रेल ले लो जो आने वाली है, या और भी गाड़ी है जो. तुम्हें निसान ही लेनी है? आगे एक्स ट्रेल की तुमने बात की, अभी एक्स ट्रेल आएगी, आई थिंक अगस्त में आएगी. अगस्त में आएगी, उसका वेट कर रहे हो? जी बिल्कुल. अब निसान की तरफ ही जाना है. निसान की तरफ. क्यों निसान की तरफ इतना इंक्लिनेशन क्यों है? निसान के व्हाई नॉट एनी अदर ब्रांड? तुम्हारे पास इतने सारे और भी थे. क्योंकि पैसा कंसिडर किया तुमने कि मेरा बजट लो है तो इसलिए मैं मैग्नाइट की तरफ जाऊंगा, या फिर तुम्हारी चॉइस ही निसान थी इंडिया में पर्टिकुलर? अभी मैं तो एक स्टूडेंट ही हूँ तो बजट तो लगता है, हमें अपनी पैसा से गाड़ी खरीदना है, माँ बाप के पैसा से नहीं. तो अगर हम देखना चाहते थे तो निसान का स्टोरी ने मुझे अट्रैक्ट किया था कि निसान वॉज अ स्ट्रगलिंग ब्रांड इन इंडिया, निसान के पास कोई मार्केट शेयर भी नहीं था, और इसी गाड़ी से इतनी सेल्स बढ़ गई कि अब ब्रांड का प्रेजेंस एक ही गाड़ी से, तो इस गाड़ी में कुछ तो खास होगी अगर इतनी जल्दी से इतनी मार्केट को कैप्चर किया. तो इसलिए हम इस स्टोरी देख के इस गाड़ी से प्रसन्नता हुई थी. प्रसन्नता हुई. आपको इसका ऑन रोड प्राइस क्या पड़ा? तो इसका ऑन रोड प्राइस 10.5 लाख के अराउंड था, और ये तो बहुत अच्छी चीज. 10.5 आफ्टर डिस्काउंट था या आफ्टर डिस्काउंट? आफ्टर डिस्काउंट तो मिली, और निसान तो बहुत प्रमोशंस कर रहे हैं अभी ताकि कस्टमर्स को अफोर्डेबिलिटी मिलता है. और ये फैक्ट ने मुझे पकड़ा कि इस प्राइस में कोई SUV जैसी गाड़ी मिलती नहीं. एक मिनी SUV है, MUV, और 10 लाख में सिर्फ हैचबैक्स ही मिलता है. और निसान ने हमारे लिए बहुत बढ़िया चीज़ की थी. Hyundai की एक्सटर भी तो आती है, वो भी अच्छी चॉइस है. वो भी अच्छी है, पर उसका लुक और फील तो इसके तरह तो नहीं है. नहीं है तो वो रोड प्रेजेंस चाहिए था मुझे. मैं सफारी सूट पहन के बड़ा डॉन के तरह लगना चाहता हूँ, तो एक गाड़ी भी चाहिए था उसके साथ. ओके आपको फ्रंट में इसमें क्या क्या चीजें अच्छी लगती हैं? तो अगर डिजाइनिंग की बात करूँ मैं, हैलोजन हेडलाइट्स है जो बहुत बढ़िया दिखाई देती है, अच्छा देती है रात के टाइम पे. यहाँ सारा क्रोम फिनिशिंग्स है, ब्रश्ड ग्रे का मैट फिनिश है ग्रिल के ऊपर, और ये ग्राउंड क्लियरेंस भी काफी अच्छी है. कितना है? 5 मिलीमीटर 205 mm का, एंड दैट्स प्रीटी हाई फॉर अ मिनी SUV. और इनके टायर्स अगर 3XO, महिंद्रा 3XO से ज्यादा इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है. टायर आपको 16 इंच का मिलता है, एंड दे आर विद द व्हील कैप. जी, और जो रिम्स भी लगे बड़े सुंदर है. इसकी डिजाइनिंग बहुत अच्छे से लग रहा है, अलॉय लगे हुए हैं, ड्यूल टोन ब्लैक मेटल एंड ग्रे मेटल. बहुत खतरनाक दिखती है गाड़ी के पास, एक बहुत अच्छी रोड प्रेजेंस है, माचो फील है, और स्लीक ब्लैक जो बहुत बढ़िया लगता है. और सुमेर, इस कार की ना जो लेंथ है ये आपके स्विफ्ट से एक्सटर से सबसे ज्यादा है. जी, तो ये गाड़ी लंबी भी ज्यादा, तो तुम्हें स्पेस अंदर डेफिनेटली ज्यादा ही मिलेगा. ठीक है मैम, सो आई टेक यू फॉर अ ड्राइव. ओके चलो, देखते जितनी तारीफ सुमेर ने की है कितनी जस्टिफाइड है. अच्छा सबसे बेस्ट क्या लगता है इसकी ड्राइव में तुम्हें? तो सबसे बेस्ट, जब मैं गाड़ी स्टार्ट करता तो इंजन इज कम्प्लीटली साउंडलेस, कोई नॉइज ही नहीं आती है, बस गाड़ी की इंटीरियर्स की साउंड आती है. अभी AC चल रहा है, थोड़ा सा वो हाई है, पर उसके अलावा ट्रांसमिशन बड़ी स्मूथ है, पिकअप है, इंस्टेंट फील होती है कि गाड़ी चलने शुरू होती है. और अंदर के ये स्टेयरिंग व्हील बहुत स्मूथ है, बड़ी आसानी से चलती है, कि मैं एक ही उंगली से भी ड्राइव कर सकता हूँ. देखते हो तो इसकी एक्सेलरेशन बहुत अच्छी है, और मुझे लगता है कि युवा को तेज़ चलाने की शौक है, तो अगर आप देख सकते हो तो ये गाड़ी उसके लिए बहुत अच्छी है. बट सुमन मुझे थोड़ी अंडर पावर फील हो रही है, तुम्हें नहीं होती? अंडर पावर थोड़ा सा लग रहा है कि गाड़ी में थोड़ा जान लगानी पड़ रही है इंजन को? बिल्कुल भी नहीं, नहीं लग रहा है. Okay. तो जितना तुम्हारी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से इट इज़ गुड.
मेरा रिक्वायरमेंट बहुत हाई है बहुत हाई है जी तो अगर सब कुछ फुलफिल हो रही है then it's better than good. इसमें एक 12 लीटर टर्बो V6 सुमेर तो नेक्स्ट लेवल मैग्नाइट में डाल तो नहीं दिया तुमने ये सिलेंडर तो नहीं कर दिया ऐसे बहुत आसान है एक और भी मैग्नाइट वहाँ और अगर आप देख सकते हो तो इसका एक 1 लीटर टर्बो इंजन है जो इस सेगमेंट में बहुत रेयर है देखने के लिए और इसका 99 हॉर्स पावर है तो समझ लो आप 100 घोड़े के ऊपर चल रहे हो और 152 की टॉर्क है ओके जो बड़ी खतरनाक है 9 लाख के प्राइस पॉइंट में अगर आप देख सकते हो तो इस 9 लाख का तो एक शोरूम था ना सुमेर तुम्हारे लिए तो 10.5 में तुमने लिया 10.5 10 लाख में जी ओके ग्रेट 1 लीटर टर्बो खतरनाक क्यों है और रेयर क्यों है सेगमेंट में ये तुम अपने लिए बोल रहे हो अपने आप को खुश करने के लिए नहीं इंजन इज गुड नो डाउट ये फील भी हो रहा है कि हां टर्बो इंजन तो रेयर है ना हां टर्बो भी रेयर नहीं है बट यस टर्बो का फील बहुत अच्छा होता है तो 1 लीटर टर्बो बहुत अच्छा सा आपको फील दे रहा है दिल्ली के रोड्स के लिए एक बहुत प्रैक्टिकल गाड़ी है क्योंकि इंटीरियर थोड़ी सी एलिवेटेड है ग्राउंड क्लीयरेंस भी काफी अच्छी है ताकि कोई गड्ढे या पॉटहोल के ऊपर गाड़ी आसानी से चल सकती है और इंटीरियर्स भी बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि इट्स अ ड्यूल टोन इंटीरियर तो कलर्स आँखें के सामने बहुत अच्छे लगते हैं अगर आप एक लड़की के साथ बैठे हो तो वो भी सोचेगी क्या गाड़ी लाया क्या गाड़ी लाया तुम्हें अच्छा यहाँ पे ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल नहीं है आपका नॉर्मल एसी आपको ऑफर किया जाता है ना जी और अगर आपके पीछे कोई पुलिस वाला आ रहा है तो उनके पास 100 घोड़े थोड़ी ना होंगे ये टर्बो इंजन 99 हॉर्स पावर कोई भी इनोवा या अर्टिगा जो पुलिस गाड़ी होती है अच्छा हम लोग भाग सकते हैं भाग सकते हैं कोई हमें पकड़ नहीं पाएगा पकड़ नहीं पाएगा पुलिस से बचने के लिए बहुत अच्छी कार है जी यही कह रहे हो बिल्कुल एक्सेलरेशन बहुत स्मूथ है पिकअप भी बहुत स्मूथ है और सबसे मेन है लैगिंग बिल्कुल फील नहीं होती बिल्कुल भी नहीं कोई शिफ्टिंग कोई लैगिंग नहीं हाई स्पीड्स पे एकदम जा सकती है और मेंटेन भी कर सकती है राइट और इंडिया में ये अच्छी चीज है कि कोई लेन्स में चलाता ही नहीं तो इंडिकेटर डालने की जरूरत भी नहीं है पर अभी भी निसान ने इंडिकेटर दिया है तो तो दोस्त ये थी हमारी निसान मैग्नाइट उसका CVT वर्जन गेजा एडिशन सुमेर के साथ बात करके बहुत मज़ा आया स्पेशली आपके हिंदी को मैंने बहुत इन्जॉय किया बहुत अच्छा बोलते हो US में ये रहे हैं बहुत साल तक और वहाँ की गाड़ियाँ चलाने के बाद अगर हम लोग इंडिया में किसी प्रोडक्ट को चूज़ करते हैं और एज अ स्टूडेंट अपनी इनकम से एक ठीक ठाक बजट के अंदर अच्छी कार प्लान कर रहे हैं तो मुझे तुम्हारी चॉइस बहुत अच्छी लगी तुम्हारी सारी रिक्वायरमेंट पूरी करती जो जो चीज़ें तुम्हें चाहिए हर चीज़ तुमने मुझे बताया मुझे बिल्कुल समझ आया और यही चीज़ आपको हम हमेशा बोलते हैं कि अपनी समझ से अपने दिमाग से कार को प्लान कीजिए जो फीचर्स आपको चाहिए वो लीजिए नॉनसेंस फीचर की तरफ ऐसे मत भागिए कि यार मुझे ये भी चाहिए मुझे वो भी चाहिए उसके लिए पैसे पे किए जा रहे हैं उसका कोई सेंस नहीं बनता इस टाइप का प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा मुझे भी मतलब लगता है कि हाँ अपने चॉइस के हिसाब से लेना चाहिए अगर आप इस बजट में कोई कार प्लान कर रहे हैं तो निसान मैग्नाइट को एक ट्राई ज़रूर दीजिएगा इसका टेस्ट ड्राइव आपको लेना है गाड़ी को जाके देखिए शोरूम में टेस्ट ड्राइव लीजिए और उसके बाद इसे फाइनल कीजिए मे बी सुमेर की तरह आपकी एक गाड़ी चॉइस बन जाए